नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, पर क्यों नहीं किया, आइए आज इस बारे में बात करते हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम युगों युगों से अमर है, दोनों के बीच अटूट प्रेम था, फिर भी दोनों का विवाह नहीं हुआ। ये प्रश्न सभी के मन को कचोड़ता रहता है कि आखिर श्री कृष्ण की क्या मजबूरी थी जिसके कारण राधा से विवाह नहीं किया। इन प्रश्न से संबंधित कई मत प्रचलित हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो मानती थी कि वो एक ग्वालिन है और वह महलों के योग्य नहीं है। लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार राधा ने जब एक बार कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने जवाब दिया कि कोई अपनी आत्मा से ही कैसे विवाह कर सकता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों का भाव था कि कृष्ण और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा वैत्र पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा और श्री कृष्ण की सेविका श्रद्धमा के बीच एक बहस हो गई थी, जिसमें राधा क्रोधित होकर श्रद्धमा को श्राप दे दिया कि वो राक्षस योनि में जन्म लेगी। श्रद्धमा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वो मानव रूप में जन्म लेगी और प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे और तुम वापस गोकुल लौटोगी। एक अन्य व्याख्य के अनुसार श्री कृष्ण समाज को सिखाना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम निस्वार्थ भाव है, जबकि विवाह एक सामाजिक समझौता है। एक अन्य पौराणिक कथा जो सबसे अधिक उपयुक्त लगती है, उसके अनुसार व्यापक युग में कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और रुक्मणी माता लक्ष्मी की अवतार थी। कृष्ण का जन्म मथुरा के वसुदेव के पुत्र के रूप में कारगर में हुआ था। रुक्मणी का जन्म विदर्भ देश के राजा भिक्षम के यहाँ हुआ था। पुत्री को पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए थे, परंतु जन्म के कुछ माह बाद रुक्मणी को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी राजा भीष्म के महल में आ गई थी। पूतना राक्षसनी वही थी जिसके स्तन का दूध जहरीला था और कंस के कहने पर वो कृष्ण को मारने गई थी, परंतु श्री कृष्ण के स्तन पान करने पर वो मर गई थी। पूतना रुक्मणी को भी स्तन पान करा कर मारना चाहती थी। जब वो स्तन पान कराने की बारी बारी कोशिश कर रही थी, तभी कक्ष में कुछ लोग आ गए, तो पूतना रुक्मणी को लेकर उड़ गई। लोगों ने उसका पीछा किया, पर पूतना को पकड़ नहीं पाए और अंत में ये मान लिए कि अब ये बच्ची जीवित नहीं बचेगी। लेकिन पूतना जब रुक्मणी को लेकर ऊंचे आकाश में उड़ रही थी, तो रुक्मणी स्वयं को आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाने लगी। कुछ ही समय में रुक्मणी का वजन इतना बढ़ गया, राक्षसी पूतना ने रुक्मणी को छोड़ दिया। राक्षसी पूतना के हाथों से छूटकर रुक्मणी आसमान से पृथ्वी पर एक सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हो गई। ये सरोवर मथुरा राज्य के एक गांव बनारस में था। ये सरोवर मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना में था। उसी समय बरसाना निवासी कृष्णवान अपनी पत्नी कृतिदेव के साथ सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। उनकी नज़र कमल के फूल पर विराजमान रुक्मणी पर पड़ी। वे देवी रुक्मणी को अपने साथ ले जाते हैं और बेटी की तरह पालन पोषण करते हैं और उनका नाम पड़ जाता है राधा।